thank mm -hmm. you वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ठीक है जी आज आ जाते हैं जी अपनी फाइनली अपने बिज़ी रूटीन की तरफ जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट टू तो मॉर्निंग बहुत बिज़ी रूटीन है और आप यकीन नहीं करें आप देखेंगे रात से सुबह तक मेरा जो किचन में दिन कैसा गुजरता है ठीक है यहाँ पे ना मेरा बड़ा ही दिल था कि मैंने ना बस कहीं देख ली मूलियाँ और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बस जी मूलियाँ आ गई आपने मुझे बताया क्यों नहीं <laughs> मैंने कहा आज आपने ऑफिस से आते हुए मूली ले आनी है ताकि हम सुबह मूली के पराठे खाएँ क्रिस्पी क्रिस्पी बड़ी मज़ेदार से तो यहाँ पर जी हस्बैंड ले आए थे आते हुए मूलियाँ और मैंने एक किलो मंगवा ली थी मेरी फैमिली के लिए बहुत होती है ठीक है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया वॉश करके मैंने इसको फटाफट ना कश कर लिया अच्छा ये ना रात का टाइम है तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ना सारा डिनर करवाने के बाद पूरे उनके बैग कंप्लीट करवाने के बाद ही ना मैं बाकी काम स्टार्ट करती हूँ ताकि वो अगर सोना चाहे तो जल्दी से टाइम से सो जाए नौ बजे ठीक है बह अभी वैसे नौ नहीं बजे थे तो यहाँ पे जी जैसे मैंने मूलियाँ कश कर ली थी ना तो मैंने उसको डाल दिया एक पैन के अंदर और दो से तीन मिनट हाई फ्लेम पे रखें जब उसकी थोड़ी सी स्टीम उड़ जाए ना तो फिर उसके बाद आपने सारे स्पाइसेस डालने हैं अच्छा यहाँ पर एक टिप देती हूँ कि अगर आप मूली के साथ सारे स्पाइसिस डाल के उसको पकाने के लिए वहाँ पर रख देंगे ना फ्लेम के ऊपर चूल्हे के ऊपर तो फिर क्या होगा इसके अंदर रह जाएगा पानी तो जब इसके अंदर पानी रह जाएगा तो जब आप रोटी के अंदर आटे के अंदर जब आप इसको फिल करेंगे ना तो वो छिप छिप और सारी रोटी आपकी फट जाएगी और पराठे आपके किसी ना काम के बनेंगे ठीक है अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि मूली को कश करके उसके अंदर ऐसे ही स्पाइसेस ऐड कर देते और हैं और कच्ची मूली डालते हैं बहरहाल वो मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया वो मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने अपनी फ्रेंड के हाथ का खाया था बहरहाल मैंने का ना भाई तुम्हारा टेस्ट कोई और है मेरा टेस्ट कोई और है तुम तो मेरी मूली का पराठा खा के देखना तो मैंने ना फिर कभी ट्राई भी नहीं किया वो ठीक है मुझे वैसे ही पसंद नहीं है तो यहाँ पे जी यहाँ पे बन गई थी मूलियाँ उसको मैंने एक प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया और मैंने फटाफट सुबह के पराठों के लिए आटा गूँध लिया और जब तक मैंने आटा गूँधा तो अल्लाह का शुक्र है जी ये मूलियाँ हो गई थी ठंडी मैंने इनको साइड पर रखा और साथ ही ना मैंने अपनी शेल्फ को नीट कर दिया आपको पता है शेल्फ को नीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है साफ सफाई ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी आपकी और किचन में काम करने का दिल भी करेगा <laughs> और वैसे ही ना अल्लाह का शुक्र अब सर्दियाँ हैं तो दिल करता है कि भाई ये सारी किचन को बार बार साफ़ करते रहें कोई कैबिनेट्स को खोल खोल के साफ करते रहें क्योंकि टाइम इतना होता है और दिल भी करता है कि भाई किचन के सारे काम करते रहें और दिल करता है कि ऐसी ऐसी रेसिपीज तैयार करें ना कि बस फिर जब हम देखते हैं ना अपने घर की रूटीन को कि गैस तो पाई नहीं आनी नहीं है तो फिर बस अपने ही शेड्यूल पे ही चलते हैं ओवर नहीं होते हैं कि भाई ज़्यादा क्योंकि अगर मेरा दिल करे ना मेरा बस चले तो मैं तो इतनी इतनी डिशें डेली तैयार करूँगा <laughs> ये तो शुक्र करें गैस दो बजे चली जाती है तो बहरहल वैसे तो मैं सिलेंडर पे भी बना सकती हूँ बहरहल नहीं अपने जो बजट के लिहाज से जो मैंने बनाना होता है ना सारा वो एक जो लिस्ट मैंने बनानी होती है वो जो बनाई होती है उसको ही मैं लेके चलती हूँ बस उसको मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि जब लिस्ट मेरी होगी डिस्टर्ब तो मेरा बजट डिस्टर्ब होगा तो जब बजट डिस्टर्ब होगा तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी <laughs> तो भी हम अपना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री के साथ ही ना अपना पूरा ये महीना लेके चलते हैं ठीक है तो यहाँ पे ना सारे किचन के मेरे हो गए थे काम तो साथ ही ऊपर वाले रूम में ना सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कि ना मैंने सुबह मशीन लगा के धो लिए थे और मैंने कहा चलें ठीक है जी जैसे मेरे कपड़े ड्राई हो गए मैंने इस कमरे में रख दिए और अब मेरे पास टाइम था थोड़ा सा तो मैंने कहा चलें मैं ये भी साथ ही समेट लेती हूँ क्यों क्योंकि ना अब मैंने जाना इशाल की दवाई लेने उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इशाल को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है गला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है गला ख़राब है तो मैंने कहा टाइम से ना इसकी मैं दवाई भी ले आती हूँ और ये जैसे मैं नीचे आई हूँ तो मैंने नीचे देखा कि हस्बैंड लेकर आए थे अनान की यूनिफॉर्म न्यू तो मैं इसको चेक करी थी खोल के कि ये इसके साइज़ की है क्योंकि ना मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ना दो शर्टें यान की लेती हूँ अगर जैसे भी ये मिड जो होते हैं ना जैसे सीज़न का इट मीनस कि गर्मी ख़त्म हो रही है और सर्दी आ रही है तो यहाँ पे एक तो मैंने शर्ट इसके पूरे साइज़ की ली है क्योंकि वो जो गर्मियों में चलती है और सर्दियों के लिए एक साइज़ में थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ क्योंकि ना मेरे बच्चों की ना नेचर है कि वो खुला कपड़ा पहनते हैं बस मेरे पे ही गई है उनकी नेचर ना कि जैसे बेशक बेटियां हैं या बेटी हैं दोनों ही खुले खुले कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे ना मैं इसलिए हमेशा ऐसे करती हूँ एक शर्ट थोड़ी सी खुली लेती हूँ ताकि जब ये सर्दियों में हाई नेक वगैरह पहनेगा ना तो इसको थोड़ी सी उलझन नहीं होगी एक तो मेरे बच्चों को कपड़े पहन के उलझन बहुत होती है तंग कपड़ा पहन के तो इस तरह तो जैसे जी मैंने कपड़ों को सारा सेट सुट करके रख दिया ना तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ इशाल की दवाई लेने क्योंकि हमारे जो हम जो हमने टाइम लिया हुआ था ना वो टाइम आ गया था तो फिर हम फटाफट भागे और यहाँ से हमने दवाई ली दवाई लेने के बाद जी शाल को यहाँ पे आ गया मंकी नज़र तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा हमने प्ले देखा कि वो भी क्या करता है किस तरह करता है तो बड़ा अच्छा लगा तो साथ ही जी बस मैं फिर घर आई और घर आके ना मैंने फटाफट ना ईशाल को दी चाय रस और उसके साथ दवाई दी और मैंने उसको सुलाया अल्लाह का शुक्र है उसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा सारी रात बड़े सुकून की गुजरी तो जैसे ही वो सुबह उठी है ना तो मैंने सुबह निहार में ही ना सारे बच्चों को शहद वाला पानी देती हूँ पता नहीं अब इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ना इसके ऊपर या फिर जैसे हमने शहर चेंज किया है जैसे हम गए थे बिहाड़ी तो पता नहीं उसकी वजह से इसके साथ ऐसा मसला हो गया है या पता नहीं वैसे ही होना था तो हो गया बहरहाल जी मैंने ना जैसे मैं रूटीन है मेरी कि सुबह निहार में मैं शहद वाला पानी देती हूँ जैसे नीम गर्म बिल्कुल नीम गरम भी नहीं थोड़ा सा गर्म देती हूँ ये देखिए इशाल अभी थोड़ा सा मूल उगाती है और डरती है <laughs> तो यहाँ पे जी इसने ये शायद वाला अल्लाह का शुक्र है सारा पानी पिया और मैंने ना इशाल के लिए बना दिए थे चाय रस दोबारा और बाकी सब के लिए मैंने नाश्ता बनाया था ये मूली वाले पराठे अच्छा मूली वाले पराठे ना जब भी आपने बनाना है जब आप ये छोटे चोट छोटे पेड़े बना के इसके अंदर मूली की फिलिंग रखते हैं ना उसके अंदर भी ना आपने दो से चम दो चम्मच ना अपने देसी घी के डालने हैं बड़े ही मज़ेदार बनते हैं एक बड़ा बड़ा यम, बड़ा यम्मी सा है ना एक टेस्ट आता है देसी ही का जब मुँह में आता है ना टेस्ट बड़ा मज़ा आता है <laughs> अच्छा जी अच्छा यहाँ पे आपके साथ शेयर करी थी ना कि एक बहुत प्यारी बात शेयर करूँगी मैं ना ऐसे बैठी थी तो मेरी नज़र से एक बात गुजरी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बेशक वो आपको लोगों के तलख रवैयों की वजह से हों कि आपके रवैयों में तलखी आ गई है या आप बहुत ज़्यादा परेशान आज कल रहते हैं या आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है और आपको पता है कि काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि हम इतनी अपनी परेशानियों में होते हैं कि हमारे पास जो अल्लाह ताला की दी हुई रहमतें और नेमतें होती हैं ना हमें वो नज़र नहीं आ रही होती क्यों क्योंकि हम अपनी ही परेशानी में वो मगन होते हैं हम अपने आप को हर किसी के साथ कर रहे होते हैं कंपेयर नहीं वो ऐसा है हमें भी ये होना चाहिए हमें मैं कहती हूँ कि अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने सेहत वाली ज़िंदगी दी है हम बीमार नहीं हैं हम उठ के अपना काम खुद सारा कर सकते हैं अल्लाह का शुक्र है हमें ये नहीं किसी को कहना पड़ता कि प्लीज़ एक ग्लास पानी दे, दे दें या मुझे वॉशरूम ले जाएँ या मेरे कपड़े प्रेस कर दें ये अल्लाह का शुक्र है ये भी बहुत बड़ी नेमत है अगर हमें देखा जाए ना कि सबसे बड़ी नेमत आपके पास कौन सी है वो आपकी सेहत है अच्छा मेन बात मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आपको कुछ बात की समझ नहीं आती है कि मैंने क्या करना है तो आपको ना लाजमी एक टीचर की ज़रूरत है ज़रूरी नहीं होता कि जब आप स्कूल पढ़ते हैं तब भी आपको स्कूल में टीचर गाइड करते हैं नहीं आपकी लाइफ में मैरिड के शादी के बाद या शादी से पहले भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो मैं कहती हूँ कि आपको अपने हस्बैंड से या आपको अपने पेरेंट्स से ये बात सामने करनी चाहिए कि भी मुझे आजकल किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है मुझे पता नहीं चल रहा या फिर मैं ऐसे ही डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ या मुझे समझ नहीं आती मैं बच्चों के ऊपर गुस्सा करती हूँ या कुछ भी आपके साथ कोई भी मसला है छोटा सा भी मसला है ना तो आपको लाजमी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ शेयर करने चाहिए और इन शाह तला मैं सबके लिए दुआ करती हूँ सबके हस्बैंड सुनने वाले होते हैं क्योंकि हस्बैंड तो वाकई ही बात सुनते हैं तो जब आप उनसे बात करते हो ना अपने दिल की बात जब आप उनके सामने रखते हो तो वो आपको गाइड करते हैं अच्छे तरीके से तो हमेशा से ना मुझे भी अगर कभी किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो मैं बहुत परेशान हूँ ये नहीं होता कि सारा दिन हम बहुत हैप्पी रहती हैं तो सब कुछ हैप्पी है कभी कभी हम भी परेशान होते हैं मैं भी परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ तो मेरा एक ही हल है मैं खुद कोई चीज़ नहीं करती मैं बस अपने हस्बैंड के सामने अपनी बात रखती हूँ कि अज़र मुझे इस चीज़ की परेशानी है पता नहीं क्या हो गया मेरी तबीयत ऐसे आवाज़ार सी हो रही है या कुछ मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई हूँ ओवर थिंकिंग जब इंसान करता रहता है ना तो वो क्यों करता है हम किसी से अपनी बात ही नहीं शेयर करते अच्छा मेरे जो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी लाइफ में जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना वो मेरे हस्बैंड है मैंने अपने हस्बैंड के अलावा कभी ज़िंदगी में किसी से कोई बात नहीं शेयर की है आ, कब कुछ भी नहीं या तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मा से बात शेयर करती हूँ या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं अपने हस्बैंड से बात शेयर करती हूँ कि भाई मुझे ये मसला है मुझे इस तरह है मैं इस तरह यह कोई भी बात हो और मैं कहती हूँ कि आपका मसला ऐसे सॉल्व होता है ना कि बस तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने टीचर ख़ुद भी ना बने रहा करें आपको भी लाइफ में आपकी लाजमी एक टीचर की ज़रूरत होती है जब एक ये बात जो मैंने किसी आप के सामने एक बात जो शेयर की है ये मेरे सामने से गुजरी तो मैंने फ़ौर किया कि वाकई आपकी लाइफ में आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है आप बेश जितने मर्ज़ी बड़े हो जाए मगर फिर भी आपको हमेशा से आपके पेरेंट्स की या आपको आपके हस्बैंड की या हस्बैंड को वाइफ की ज़रूरत होती है समझाने के लिए ठीक है तो ये मेरी रूटीन भी थी नाइट टू तो मॉर्निंग सुबह नाश्ते के बाद जी मैं सारी किचन साफ़ करवाई उसके बाद जो पेंडिंग काम थे वो किए और उसके बाद बच्चों के लिए मैं कोई भी फ्रूट हो वो कट करके कर कर रखती हूँ बेशक कोई एप्पल्स हो या फ्रूट चाट बना के रखती हूँ या फिर आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं वो मैं उसको पूरा छील के निकाल के उसके दाने वो रखती हूँ ताकि जब बच्चे आते हैं ना तो सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा फ्रूट खाते हैं फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं तो ये मेरी रूटीन भी आपके साथ शेयर करती है और आज का फुल डे मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में ज़रा डिवाइड कर दिया है इसके बाद की रूटीन भी आपके साथ कल शेयर करूँगी इन शाला तला तो ये था जी मेरा आज का भी उम्मीद करती हूँ आपको आज का वी मेरा पसंद आया होगा और मेरा टॉपिक भी पसंद आया होगा मेरी बात भी पसंद आई होगी ठीक है ना तो अब कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ ओके जी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय